बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज है शनिवार और डेट है 3 फरवरी, और 3 फरवरी जो है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डेट है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या स्पेशल है इस डेट में, तो गाइस बता देते हैं आप लोगों को, आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह। तो आज से हमारी शादी को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे हमें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो गाइस चलते हैं अभी दूसरे रूम में जहाँ पे डेकोरेशन हो रही है, जहाँ पे हमारा केक कटिंग का सारा व्यवस्था रहेगा। तो वो रूम जो है डेकोरेट किया जा रहा है, देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है अभी। तो गाइस अभी यहाँ पे बलून्स फुलाए जा रहे हैं और सभी लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं कि क्या बताएं। फिलहाल बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं और पहले से कोई प्लान नहीं था, इसलिए ये सारी तैयारियाँ जो हैं आज ही के दिन हम लोगों ने की है। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, पर सभी लोगों ने मिल के किया था इसलिए हो गया था। छोटे वाले देवर बलून्स सारे फुला रहे थे, पंप था इसलिए जल्दी जल्दी से फूल गए थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। तो छत में सारे बलून्स लग गए थे, उसके बाद फटाफट से बैकग्राउंड बनाएंगे। और यहाँ पे हमने दो ही कलर के बलून्स यूज़ किए हैं, ब्लैक और रेड, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था हमारे पास, कम ही स्पेस था तो उसी हिसाब से हमने डेकोर किया है। और आज के दिन इतना ज़्यादा काम था कि सारे लोग, घर के जितने भी मेंबर थे ना कुछ काम ही कर रहे थे। अम्मा लोग जो हैं वो खाने की तैयारियाँ कर रही थी क्योंकि शाम में खाना भी बनना है, तो सब्जियाँ वगैरह जो हैं जितनी भी सब यहाँ पर छील काट के रख ली गई हैं। और शाम का टाइम है तो पापा जी भी आ चुके हैं अपनी जॉब से, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं, तो वही यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं। और दूसरी साइड मम्मी जो है वो किचन में लगी हुई हैं क्योंकि आज ना काफ़ी सारे आइटम बनेंगे। इसके बाद गाइस हम आ चुके हैं अपने रूम में और यहाँ पे हो रहे हैं फटाफट से रेडी और हेयर डू अपना कर रहे हैं। और इसे करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि खुद से करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। फिलहाल हम जो है पूरा रेडी हो चुके हैं, उसके बाद अपनी बैंगल्स भी पहन लिए। तो आप सभी लोगों को हमारा ये फाइनल लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है और आप लोगों को हमारा ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ज़्यादा फैलावा पड़ गया है लेकिन लुक कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत टाइम लग गया है इस लुक को क्रिएट करने में। चलिए दोस्तों केक कटिंग का टाइम भी हो चुका है, सभी लोग वेट कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं सीधा रूम। तो गाइज़ यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं और हमारी पूरी फैमिली भी आ चुकी है। और वैसे भी गाइज़ कोई भी फंक्शन हो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का एक अलग ही मज़ा होता है। सच में आज बहुत ही अच्छा लग रहा था और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो गाइस हमने यहाँ पे सभी को केक खिला दिया है और आ जाइए आप सभी लोग भी खा लीजिए आके केक और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। और यहाँ पे देवर और भाभी की थोड़ी सी शरारतें चल रही थी, केक लगाने की बातें हो रही थी लेकिन ननद जी मानी नहीं तो उन्होंने लगा दिया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था फिलहाल।
उसके बाद सबने मिलके खूब अच्छे अच्छे फ़ोटोशूट करवाएं, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक करें। उसके बाद हुआ ज़बरदस्त वाला डांस, तो आप लोग आगे देखिएगा। म्यूजिक तो नहीं हमने यूज़ किया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए म्यूजिक हमने हटा दिया है। गाइस यहाँ पे हमारी बहुत सारी मस्तियाँ हुई, आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, यादगार काफ़ी बन गया और रूम भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही स्पेशल फील हो रहा था। सबके बाद खाना भी पूरा रेडी था, पूड़ियाँ सेकनी बची थी तो वो मम्मी लोग सेक रही थी और यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद हम लोगों का भी नंबर आ गया था। उसके बाद जितना भी टोटल काम था सारा काम ख़त्म करके सभी लोग सेक रहे थे हीटर के सामने हाथ, और दीदी लोग आई थी गांव से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और यहाँ पे कुछ फनी फनी सी बातें हो रही थी इसलिए बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था। सच में आज का दिन ना बहुत ही स्पेशल बन गया और बहुत ही अच्छा लगा आज का दिन। इसके बाद सभी लोग लेट चुके हैं और काफ़ी टाइम हो गया है तो हम भी आ गए हैं अपने रूम में। गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने रूम में और सारा काम हो चुका है और खाना पीना भी सभी का हो चुका था, तो अब जा रहे चेंज करेंगे। चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और खाना पीना भी होना था, तो सभी का खाना पीना हो गया इसीलिए अब जाके चेंज करेंगे। और पहनने में तो इतना टाइम लगता है, 2 घंटे पूरे हमको लग गए थे तैयार होने में, और अब फटाफट से चेंज करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और हैवी साड़ी है तो बहुत थोड़ा सा ठंड तो फिलहाल लगी नहीं रही। और वैसे गाइस आज का हमारा ये लुक कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। काफ़ी देर लगा दी थी सजने संवरने में। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।